Hello guys, how are you? In our last video sessions, I have completed percentage based questions and mass percentage question answer. Today we are going to start some numerical of molarity. आज हम जो है मोलरता पर आधारित आंकिक प्रश्न करने जा रहे हैं. तो let's see first question for you. 1 liter NaOH solution contain 40 ग्राम NaOH है ना. कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन मींस यहाँ पर यह है कि 1 लीटर विलयन में 40 ग्राम NaOH घुला है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करना है. क्या ज्ञात करना है हमारे को? विलयन की मोलरता, मोलरिटी को हमको कैलकुलेट करना है. तो लेट्स सी फर्स्ट solutions given that दिया है. क्या दिया हमारे पास है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट. वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है हमारे पास में? विलय का भार. विलय का भार कितना है? और हमारे पास में विलय कौन है? NaOH है, उसका भार कितना दिया है? 40 ग्राम. अंडरस्टूड? तो NaOH यहाँ लेते अपन, यहाँ पर NaOH, वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय का भार 40 ग्राम. नेक्स्ट है मोलिकुलर वेट, मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है. विलय का आणविक भार, विलय का आणविक भार, ठीक है, 40 ग्राम, ठीक है. अब ये आणविक भार आया कहाँ से है? आपके पास में जो है NaOH है, फॉर्मूला है, ठीक है. तो आणविक द्रव्यमान को, मोलिकुलर मास को जो है उनके मास को ऐड करके बनाया जाता है, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल Na है 23 प्लस ऑक्सीजन है 16 और हाइड्रोजन है 1, टोटल 40, ठीक है. तो इसका मोलिकुलर मास भी कितना रहेगा? 40 रहेगा. अंडरस्टूड? तो विलय का भार कितना है? 40 ग्राम है. अब हम बात करेंगे यहाँ पर उसके विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन कितना दिया है हमारे को? आयतन 1 लीटर दिया है, मतलब हमारा बना है 1 लीटर बना है. तो 1 लीटर या तो फिर हम बोल सकते हैं इसको 1000 ml भी हम उसको लिख सकते हैं. मालूम क्या करना है? मालूम करना है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फॉर्मूले सूत्र अनुसार, ठीक है. सूत्र क्या हमारे पास में लगाओ? फॉर्मूला MWB इंटू 1000 अपॉन MP इंटू VML, ठीक है. ये हमारे पास में क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है. WB क्या है? विलय का भार है, वेट ऑफ सॉल्यूट. MB क्या है? आपका जो MB होता है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो है आणविक द्रव्यमान, ठीक है. और VML हमारे पास मिल चुका है, तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसकी वैल्यू को पुट अप करना है और उनके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो MWB 40 इंटू 1000 अपॉन MB कितना हमारे पास है? 40 इंटू 1000. अंडरस्टूड? ठीक है. तो 40 ग्राम हमारे पास में क्या है? इसका वेट है और मोलर वेट कितना है? 40 ग्राम है. तो 1 लीटर हमारे पास में मतलब जो है 1000 ml है, ठीक है. तो ये सब क्या हो रहा है? क्वांटिटी कैंसिल हो रही है. तो n इज इक्वल कितना आ रहा है? 1, ठीक है. तो आंसर क्या लिखेंगे इसका, ठीक है? मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलरिटी
ऑफ सॉल्यूशन इज 1 m। और भी क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, लिख सकते हैं अपन यहाँ पर 1 mole per liter। अंडरस्टूड। तो विलयन की मोलरता 1 m आ रही है। अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली था, तो मैंने आपको मतलब जो है पहले इजी करते हैं, जब हम थोड़े से हार्ड करेंगे अपन, तो इजी क्वेश्चन लेके समझाया मैंने आपको। इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर करना रहेगा। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है मोलारिटी पर, ठीक है, और बहुत इजी रहता है आपको, जब उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ओके राइट। स्टूडेंट्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो लिखा है द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब एक सांद्र विलयन बनाया गया है, ठीक है, H2SO4 का सांद्र विलयन बनाया गया है। रिटर्न 49% बाय मास। ये पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर ये है कि आपका जो सॉल्यूशन है परसेंटेज बनाया गया है, तो 49% बाय मास, मतलब बाय मास में ये बनाया गया है। इट्स डेंसिटी इज 1.5 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। मींस यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन के अंदर हमको जो है परसेंटेज दिया गया है, उस परसेंटेज से हमको क्या करना है, उस सॉल्यूशन की मोलारिटी मालूम करना है। और मोलारिटी जो है लीटर के अंदर क्या की जाती है, मालूम की जाती है। हिंदी में भी देख लेते हैं, एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन है जो 49% वेट बाय वेट से बना है। विलयन का घनत्व दिया है 1.5 ग्राम पर ml। तो विलयन की मोलरता हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए सबको, सबसे पहले अपन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे गिवन, हमको दिया क्या है, गिवन, ठीक है, दिया है, क्या दिया है हमारे पास में, 1.3 वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, विलय का भार तो हमको दिया गया है, विलय का भार ये हमको दिया गया है, कितना दिया है। अब आपका मीन्स यहाँ पर ये 49% वेट बाय वेट है, तो इसका मीन्स यहाँ पर ये कि 49 ग्राम आपका भार होगा, 49 कितना होगा आपका, 49 ग्राम। अंडरस्टूड, ठीक है। और मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, विलय का आणविक भार, ठीक है। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है, एक बार और अगेन देख लीजिए। सपोज देख लीजिए आपके पास में H2SO4 है, H2SO4, ठीक है, तो H कितने हैं, और 1 हाइड्रोजन का 1 मास होता है, तो 2 हाइड्रोजन की 2 मास प्लस सल्फर का कितना होता है, 6, सल्फर का होता है आपका 32, ठीक है, और ऑक्सीजन देगी 64, टोटल 98, ठीक है, तो आपका जो है कितना आएगा यहाँ पर 98, क्या होगा उसका वेट होगा, आणविक भार होगा। तो मीन्स हमको यहाँ पर दो समझ में आ गया है, हमारे पास में जो है वेट ऑफ सॉल्यूट विलय का भार भी निकल गया है, और दूसरा है हमारे पास में विलय का आणविक भार 98, ये क्वांटिटी हमको फार्मूले में काम में आएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में जो वॉल्यूम्स होता है, तो वॉल्यूम्स कितना होता है, ठीक है, तो वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए हमको मालूम करना है यहाँ पर H2SO4 का विलयन का आयतन, H2SO4 विलयन का, विलयन का आयतन, ठीक है, हमको मालूम क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमको वॉल्यूम निकालना है, मतलब इस परसेंटेज में से हमको क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, विलयन का आयतन,
विलयन का आयतन, ठीक है, बराबर क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, या मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी घनत्व, ठीक है, ये हमको फॉर्मूला आना चाहिए। जब भी हमको कन्वर्ट करना है यूनिट, ठीक है, केजी से वॉल्यूम में, वॉल्यूम से केजी के अंदर, तो आपको क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी देगा। अब डेंसिटी दे दिया हमारे पास में, कितनी दिया है, ठीक है, टोटल जो परसेंटेज बना है 49% बना है, तो 49 जो बना है तो वो बना है आपका परसेंटेज है, तो 100 है वो, ठीक है, तो हम रखेंगे यहाँ फार्मूले के अंदर उसको। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वी, जो वॉल्यूम है इज इक्वल कितना आएगा आपके यहाँ पर, 100 अपॉन 1.5, ठीक है, आपने जो है क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मोलारिटी सॉल्यूशन से निकाली जाती है, तो वॉल्यूम ऑफ कितना हमारे पास है, 100 अपॉन 1.5, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, 6.6, ठीक है, मतलब जब आप उसको डिवाइड करोगे 100 को, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 6.66, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना रहा, 6.66 ml, ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब वहां डायरेक्ट जो है फॉर्मूला लगा रहे हैं यहां पर अपन, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू क्या है, वी एम एल, अंडरस्टूड। तो ये आपने क्या करा है, फार्मूला लगाया है। अब फार्मूले के अंदर जो भी टोटल क्वांटिटी है उसको वेट, मतलब उसको पुट अप कर देंगे इसके अंदर, तो इज इक्वल हमारे पास में क्या रहेगा, डब्ल्यू बी कितना है, 49 अपॉन 98 इंटू कितना है, 1000 है अपॉन कितना नीचे, 66.6, ठीक है, ये आपके पास में है 49 इंटू 1000 अपॉन 98, ठीक है, आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 7.5, ठीक है, कितना आएगा आपके पास में, 7.5 उसका जो है एम रहेगा। तो आपका जो आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर आ रहा है, आपकी जो सॉल्यूशन बना हुआ है, कंसंट्रेशन H2SO4 सॉल्यूशन की जो है मोलारिटी कितनी आ रही है, तो वो आ रही है आपकी H2SO4 की जो मोलारिटी आ रही है वो 7.m है, कितनी है, 7.m, या बोल सकते हैं अपन उसको 7. ठीक है, मोल पर लीटर, क्या बोल सकते हैं अपन, पर लीटर बोल सकते हैं। तो अगेन रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है क्वेश्चंस परसेंटेज में दिया गया है, आपको जो है मोलारिटी मालूम करना है, मोलारिटी जो होती है लीटर के अंदर कैलकुलेट की जाती है, तो हमको जो है क्या करना है, सबसे पहले हमको जो है हमारा जो क्वेश्चन में जो दिया गया था मास बाय मास, उसको जो है उसको क्या करना है, हमारे को वॉल्यूम निकालना है उससे, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल मास अपॉन डेंसिटी होता है, तो हमने जो है मास निकाल दिया है 6.6, तो हमने जो है वैल्यू हमने वॉल्यूम निकाल दिया है, और हमने जो हमारा फार्मूला बना हुआ है m इज इक्वल डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी एम एल, तो उसके अंदर हमने वो वैल्यू को पुट अप करके जो है हमारा आंसर आ गया है 7.5। तो इस विलयन की मोलर का 7.5 होंगी, ओके।